गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे योर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर. और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट हेल्थ के बारे में. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमारा पार्ट था हमारा 2, उसके अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम अपने हेल्थ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हेल्थ. व्हाट डू यू मीन बाय, देखिए भाई हेल्थ के रिगार्डिंग हमने इससे पहले भी स्टडी किया था किसके अंदर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, जिसके अंदर 2 मेन कंपोनेंट थे. फर्स्ट वन इज योर एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज योर हेल्थ. तो हेल्थ क्या होता है, इट्स साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल. इसके अंदर क्या होता है, आपका साउंड है फिजिकल और मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, यानी आप पर्सन क्या होगा, कोई भी पर्सन है फिजिकली और मेंटली क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तभी वो किसके अंदर होगा, वो फुल एफर्ट्स डाल पाता है. देखिए जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपको खांसी जुकाम ही क्यों ना, सिंपल सा, तो आप क्या कर पाते हो, पूरा 100% एफर्ट्स नहीं डाल पाते हो, कहीं ना कहीं आप पूरा एफर्ट्स नहीं डाल पाते हो. तो अगर मेंटली क्या, वैसे तो आप फिजिकली ठीक हो, लेकिन मेंटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ, घर में फैमिली प्रॉब्लम है, तो फैमिली प्रॉब्लम के कारण आप क्या नहीं कर पा रहे हो, आप पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है अंदर. तो इसके अंदर क्या होता है कि हेल्थ के कारण क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, इसके कारण आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है आपके. इसके अलावा जो हेल्थ है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए, होलिस्टिक प्रोसेस, जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ है, जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो सारी इसके कारण. और कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, जो हमारे सोचने की समझने की क्षमता है, वो सारी किसके किस पर डिपेंड होती है, हमारी हेल्थ पर ही डिपेंड. अब उसके बाद है इंडिपेंडेंस, से पहले हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी, बर्थ रेट भी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिसीजेस थी, और इवन क्या होता था, बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे, मर जाते थे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही कम था, 33 ईयर की एज में लोग क्या मर जाते थे. लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. तो फर्स्ट वन आपके 3 टायर के बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज योर PHC, सेकंड वन इज योर CHC एंड लास्ट वन इज योर टर्टियरी हेल्थ सेंटर. PHC क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसके अंदर आपकी जो छोटे मोटी बीमारियां होती है उसके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है. बेसिकली ये क्या होता है, जो स्मॉल टाउन या रूरल एरियाज के अंदर पाया जाता है PHC, इसके अंदर क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, 2-3 ANMs वगैरह होती है. जैसे कि आपको क्या है, छोटा मोटा आप बीमार हो या फिर कहीं ना कहीं अवेयर प्रोग्राम भी PHC के द्वारा चलाए जाते हैं, और आपके हाथ पर छोटी मोटी इंजरी लगी हुई है तो आप वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हो, खांसी जुकाम बुखार इस तरह के सिंपल सिंपल मेडिसिन, अगर ट्रीटमेंट बीमारी है तो उसके लिए आप PHC में जाकर क्या कर सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो. सेकेंड वन इज योर CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. ये इससे क्या होता है, वन स्टेप आगे होता है. इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर ही क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये क्या होता है बेटा, इससे थोड़ा सा ऊपर. इसके अंदर क्या किया जाता है CHC के अंदर, इसके अंदर ब्लड टेस्टिंग है, ECG मशीन है, मॉडर्न थोड़े बहुत इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं. इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर्स वगैरह भी अच्छे होते हैं, फैसिलिटी वगैरह भी होती है. ये क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर बिग टाउन के अंदर पाया जाता है CHC, जैसे कि आपके झज्जर में है अगर बात करो, ऐसे ही हर एक एरियाज के अंदर जो बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है CHC. लास्ट वन इज योर टर्टियरी हेल्थ सेंटर. इसके अंदर क्या होता है, बेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, इवन जो मेडिकल एजुकेशन है या रिसर्च सेंटर है वो सारे इसी के अंदर पाए जाते हैं. इसके अंदर जैसे कि आपकी मॉडर्न इक्विपमेंट है, कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, कोई आपको ट्रांसप्लांट करवाना है, लिवर ट्रांसप्लांट, तो वो सारा इसके अंदर होता है. तो कई बार क्या होता है, जो केस कॉम्प्लिकेट होते हैं तो वो PHC क्या कर देता है, रेफर करता है CHC को.
उसको हम रेफरल सिस्टम कहते हैं, सीएलसी आगे रेफर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रेफरल सिस्टम। ये तीनों इम्पोर्टेंट थे, तीनों बता रही है। उसके बाद है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्या रोल है आज के टाइम पर। पहले क्या होता था, जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मेन रोल कौन प्ले करता था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर अपॉइंट होते थे, वो ही रोल प्ले करते थे। आजकल क्या होने लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होने लग रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इवन 70% ऑफ हॉस्पिटल हमारे जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 70% हॉस्पिटल है वो कहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर के हैं। और इवन चाहे पुअर पर्सन ही क्यों ना हो रूरल एरियाज के अंदर, वो भी प्राइवेट जो डॉक्टर से उससे ट्रीटमेंट करवाना ज़्यादा बेटर समझता है। 16% डिस्पेंसरी है हमारे यहाँ पर, वो भी प्राइवेट सेक्टर की है, प्राइवेट पर्सन होल्डर की है। 2/5 ऑफ द बेड अवेलेबल है जो हॉस्पिटल के अंदर, वो भी कहाँ पर, आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही है। जितनी भी मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं जो कि आप प्रोवाइड करें मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर उनके हैं। इवन बहुत सारी एनजीओ हैं, वो है फॉरेनर है, वो भी हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा लास्ट वन जो है सुपर स्पेशलिटी ऑफ, ये आपके हॉस्पिटल है। सुपर स्पेशलिटी आपने दिल्ली के अंदर भी देखे होंगे या फिर आपने देखा होगा मेडासिटी गुड़गांव में, वो क्या आपकी सुपर स्पेशलिटी। ये थे आपके रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात किया कि आपका डे बाय डे क्या होने लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो रहा है। अब हम स्टडी करेंगे मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, हमारे यहाँ पर क्या होने लग रहा है, मेडिकल क्या होने लग रहा है, टूरिज्म डे बाय डे बढ़ रहा है। मेडिकल टूरिज्म मतलब कि अब क्या होने लग रहा है कि जो फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आकर लोग ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग करवा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट मेडिकल टूरिज्म के अंदर वो हमारे यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं और यहीं पर मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं। या फिर क्या होता है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट है या कॉस्मेटिक केयर से रिलेटेड है या किडनी ट्रांसप्लांट है या जो बीमारियाँ हैं जहाँ पर फॉरेन कंट्री पर जिसके लिए उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है, वहाँ इंडिया के अंदर उन्हें चीप रेट में वही फैसिलिटी अवेलेबल है। इसलिए जो फॉरेनर है वो क्या करवाने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो कहाँ जाते हैं, इंडिया के अंदर ही आते हैं। अब उसके बाद है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM। ISM क्या होता है बेटे, इंडियन सिस्टम मेडिसिन क्या हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर। कुछ मेडिसिन क्या है स्टार्टिंग से थी ओरिजिन जो जैसे कि आयुर्वेद, और कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो बाहर की कंट्री से आई और धीरे धीरे वो इंडियन कल्चर के साथ एसिमिलेट होगी, मिल गई, अब वो इंडियन कल्चर का या फिर इंडियन मेडिसिन का ही क्या बन चुकी है, पार्ट बन चुकी है, वो है हमारी ISM। तो ISM के अंदर मेनली आई है आपकी आयुष, जिसके अंदर 6 सिस्टम है हमारा, 6 वे से हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिंधा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये हमारा 6 सिस्टम है जिसके द्वारा हम पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और इसके काम क्या होने लग रहा है, धीरे धीरे हमारे जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन में आयुष के द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल बेड डिस्पेंसरी खोले गए। इवन अप्रैल 2015 की बात करूं तो डे बाय डे आयुष स्कीम के अंदर हमारे क्या होने लग रहे हैं, पर्संस वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी आयुष योजना को क्या करने लग रही है, प्रमोट करने लग रही है। अब उसके बाद है GBD, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में। GBD मीन्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, जो हमारे बर्डन है डिजीज का वो कैसे बढ़ रहा है। इट इज एन इंडिकेटर यूज टू एक्सेस, ये इंडिकेटर है जो किसके लिए यूज किया जाता है, नंबर ऑफ प्री मेच्योर डेथ, हमारे यहाँ पर जो क्या होने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा
प्रीमेच्योर क्या होने लग रही है, डेथ हो रही है ड्यू टू ए पार्टिकुलर डिसीज, एक पार्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड, जैसे कि आपकी टीबी के रिगार्डिंग ला लीजिए, डायबिटीज के रिगार्डिंग, इवन अगर मैं अभी बात करूँ COVID-19 के कारण लोग बन रहे हैं, तो ये क्या रहा है, नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, उनकी डेथ की अभी टाइमिंग तो नहीं आ रही, उससे पहले मर रहे हैं बीमारी से, द ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन सफरिंग ऑफ डेथ, क्या हमें लग रहा है काफ़ी लंबे समय से डिसेबल है उस पर्सन बीमारी से, जिसके कारण वो उस बीमारी को क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ये था आपका ये टॉपिक, अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड के अंदर क्या हो रहा है कि हमने क्या कर दिया है, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टू सेक्टर के अंदर डिवाइड है, रूरल अर्बन कहे या फिर ये कहे हम रिच एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारे यहाँ पर अगर आप बात करें जो इंडिया के अंदर क्या है, जो 70% पॉपुलेशन है वो किस एरिया से बिलोंग करती है, रूरल एरिया से, लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात की जाए तो हमारे रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज के अंदर फैसिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब अर्बन एरिया इवन छोटे मोटी बीमारी के लिए, बुखार है, खांसी जुकाम, ये तो जनरली बीमार है, तो इनके लिए भी जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, अर्बन एरियाज के अंदर। इवन रूरल एरियाज के अंदर ओनली 0.36 हॉस्पिटल है, वहीं आपकी अर्बन एरिया पर लैख, अगर बात करूं मैं पर लैख पर्सन्स पर, और वहीं अर्बन एरियाज के अंदर क्या होने लग रहे हैं, 36 हॉस्पिटल है पर लैख पर्सन्स पर। तो यानी हमारे रूरल एरियाज के अंदर क्या होने लग रही है, हेल्थ फैसिलिटी कम है और नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है। सेम एज इट इज डिस्पेंसरी है या बेड्स वगैरह की फैसिलिटी भी है, वो रूरल एरियाज के अंदर कम है, अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा है। वहीं बात करें रिच एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारा रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो केवल अगर 20% रिच पर्सन की बात करें और 20% हम पुअर पर्सन की बात करें, दोनों ही, तो जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है 20% वो अपने इनकम का केवल 2% स्पेंड करता है किस पर, हेल्थ पर, और वहीं हमारे जो 20% पुअर पर्सन है वो अपने 12% इनकम का क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, क्यों, उन्हें फुल न्यूट्रिशंस नहीं मिलती है, उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, उनकी इनकम लेस होती है, वहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटी कम होती है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादातर मोस्टली फेस करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि हमारा जो रूरल एरियाज है उसमें नंबर पर्सन ज़्यादा है लेकिन हेल्थ फैसिलिटी कहाँ कम है, जो रिच सेक्शन है वो हमारे पास क्या है, रिच सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल है, इवन ये इवन अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना है पुअर पर्सन है उसके पास रुपए नहीं है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो ये देखकर नहीं, भाई चलो पुअर पर्सन है ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसकी फीस वगैरह कम कर, ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हें कहीं ना कहीं स्पेशल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो थे हमारे रूरल अर्बन डिवाइड कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, या तो उसे रूरल अर्बन कही या रिच पुअर। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वुमेन हेल्थ इन इंडिया कि वुमेन्स का हेल्थ कैसा है इंडिया के अंदर, कैसा कैसा वुमेन को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें या फिर इंडिपेंडेंस के बाद की, हमारा जो वुमेन हेल्थ है उसकी तरफ कोई फोकस नहीं आता, इवन हेल्थ हेल्थ में ना ही तो वुमेन की एजुकेशन की तरफ फोकस किया जाता है ना ही उनके हेल्थ की तरफ फोकस किया, दोनों की दोनों चीज़ों की तरफ फोकस नहीं किया जाता। इवन हमारे यहाँ पर बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो कहीं ना कहीं उन लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि लड़कियों को क्या करेंगे पढ़ाकर, या लड़कियों के हेल्थ की तरफ वो फोकस नहीं करते हैं। इवन अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशो की, चाइल्ड सेक्स रेशो पहले हमारा 2001 के अंदर बात करें
तो 921 था, ये हमारी फीमेल है, अपॉन 1000 मेल, ये रेशो था 2001 का। अब हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो क्या हो गया है, हमारा क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया, यानी इससे घट गया है। तो इस तरीके से क्या होने लग रहा है कि हमारा डे बाय डे क्या होने लग रहा है, जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन होने लग रहा है। जो फीमेल चाइल्ड है उन्हें क्या कर दिया जाता है, फीमेल जो चाइल्ड है, जो जैसे वो चेक करवा लेते हैं बच्चे को, चेक करवाने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि लड़की है गर्ल है, तो उसको वहीं में गर्भ के अंदर फोर्टिसाइड कर दिया जाता है फीमेल को। और जब फीमेल फोर्टिसाइड होती है यानी उनका गर्भपात करवा दिया जाता है, तो सीधा उनका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है। इवन जो हमारी एज है 15 ईयर से लेकर 49 ईयर की जो एज के अंदर मोस्टली जो बीमारियां है वो किसके अंदर पाई जाती है, वुमेन के अंदर। क्यों? या तो उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, या फिर उन्हें क्या होती है प्रॉपर हेल्थ के रिश्यूज जो हेल्थ से रिलेटेड है उनके बारे में उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। तो इन सभी कॉजेस के कारण कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसका जो ज़्यादातर जो मोस्टली बीमारियाँ होती है वो किस किस एजिस में, हमारी 15 से 49 ईयर एजेस लेडीज। और इसके अलावा क्या होने लग रहा है, जब बहुत सारी लेडीज है जब उनके डिलीवरी के टाइम पर भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट कर क्या कर रही है, अब धीरे धीरे वुमेन हेल्थ की तरफ प्रॉपर फोकस कर रही है, उन्हें प्रॉपर डाइट्स वगैरह या न्यूट्रिशन गवर्नमेंट्स की तरफ से भी क्या होने लग रहे हैं, इवन अब तो क्या होने लग रहा है प्रॉपर उन्हें खाना वगैरह भी दे रहे हैं, या फिर उन्हें उनके अकाउंट में रुपये वगैरह डलवा रहे हैं ताकि वो अपने लिए मिल्क वगैरह ले सके या प्रॉपर डाइट्स वगैरह ले सके। इवन जो एनएम है या जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो देखती हैं कि वो प्रॉपर वे से डाइट ले रही है या उनका हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब है क्रिटिकल, अब उसके बाद है बेटा हेल्थ है एक ह्यूमन राइट है जिसके अंदर क्या होने लगा है, आर एक्सेसिबल और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। जो हेल्थ है वो सभी के लिए क्या होना चाहिए, हेल्थ है वो सभी के लिए होना चाहिए। और उसके अलावा हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल कि सबकी पहुंच तक होना चाहिए, ये नहीं है कि कुछ लोग तो क्या कर सके उसको अफोर्ड कर सके और कुछ लोग क्या कर सके उसको अफोर्ड नहीं कर सके। तो एक्सेसिबल सभी लोगों की पहुंच तक होना चाहिए, अफोर्डेबल सारे के सारे लोग उसको क्या कर सके अफोर्ड कर सके। तो इसके अंदर क्या होने लग रहा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हेल्थ के अंदर मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।